नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए देश को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बताते चलें कि 22 मार्च से एक कर्फ्यू लागू किया गया था कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद ये लॉकडाउन लगाया गया, जिसको लेकर देशवासियों का काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसी के साथ अब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिससे निपटने के लिए कई सारे कड़े प्रयास कर रही है, जिसको लेकर अब अनलॉक भी लगाया गया है। यानी कि अनलॉक 3 लग चुके हैं और ये चौथा अनलॉक 1 सितंबर से लगने वाला है। इस अनलॉक 4 में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी खुलेंगी और क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो अभी भी जिन्हें बंद रखा जाएगा। आइए आपको सबसे पहले बता दें कि हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बाजार, शॉपिंग मॉल जिसको सोमवार और मंगलवार को बंद रखने के लिए सरकार ने आदेश दिया था, जिससे कई लोगों ने उसको विरोध किया और वो आदेश वापस ले लिया गया है। अब आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थान, स्विमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल अभी भी बंद रहेंगे। हालांकि जो एयर थिएटर हैं वो 21 सितंबर से ओपन कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी और ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और 100 व्यक्तियों के सभाओं को 21 सितंबर से अनुमति दे दी जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि इन्हें 21 सितंबर 2020 के प्रभावी अनुमति दी जाएगी, जिनके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि 65 साल के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं, 10 साल के बच्चों को सरकार ने अभी भी घर में रहने की सलाह दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स।